यूक्रेन पर रूस का आक्रमण नाटो के 73 साल के इतिहास में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। नाटो क्या है? नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा गठित एक सैन्य गठबंधन है। किसी एक सदस्य राज्य के खिलाफ सशस्त्र हमले की स्थिति में सदस्य एक दूसरे की सहायता के लिए आने के लिए सहमत होते हैं। इसका उद्देश्य मूल रूप से यूरोप में युद्ध के बाद के रूसी विस्तार के खतरे का मुकाबला करना था। 1955 में सोवियत रूस ने पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों का अपना सैन्य गठबंधन बनाकर नाटो को जवाब दिया, जिसे वारसो संधि कहा जाता है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद कई पूर्व वारसो संधि देशों ने पक्ष बदल लिया और नाटो के सदस्य बन गए। गठबंधन में अब 30 सदस्य हैं। नाटो यूक्रेन में हस्तक्षेप करने की योजना क्यों नहीं बना रहा है? यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए गठबंधन अपने बचाव में आने के लिए बाध्य नहीं है। पूर्व सोवियत गणराज्य कई वर्षों से इसमें शामिल होना चाहता है। हालांकि आक्रमण से पहले रूस की मांगों में से एक ये भी था कि यूक्रेन को कभी भी शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रूस को डर है कि नाटो पूर्वी यूरोप में नए सदस्यों को लेकर उसके क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है और यूक्रेन को स्वीकार करने से नाटो सेना उसके पीछे बॉर्डर पर आ जाएगी। नाटो का कहना है कि यह विशुद्ध रूप से रक्षात्मक गठबंधन है। इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को युद्ध के क्रूर कृत्य के रूप में निंदा की। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए एजू वंश को सब्सक्राइब अवश्य करें।